हाय फ्रेंड्स, पूनम की रसोई में आपका फिर से एक बार स्वागत है। तो आज हम बनाने जा रहे हैं चावल गाजर की खीर। तो जिसके लिए हमें कुछ ही सामान की ज़रूरत है, ज़्यादा हमें सामान नहीं चाहिए। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा चावल लिया हुआ है, इसको मैंने एक दो घंटे पहले फुला के रख दिया था पानी डाल के, और अच्छे से इसको धो के पानी इसका निकाल दिया है। और यहाँ पर मैंने एक कटोरी गाजर लिया हुआ है, कुछ हमने यहाँ पर अपने बादाम लिए हुए हैं, और हमारी स्वाद के अनुसार हमारी चीनी है। और मैंने इसके लिए आधा लीटर मिल्क लिया हुआ है। तो चलिए चलते हैं हम अपनी गैस की तरफ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने अपना मिल्क चढ़ा दिया है गैस पर अपनी। तो हमारे जैसे ही दूध में उबाल आ जाएगा, वैसे हम इसमें अपने चावल डाल देंगे और अपनी गाजर को भी डाल देंगे, और इसे अच्छे से हमें पकाना है। तो अभी हमें अपने दूध उबलने का इंतज़ार करना है। तो हमारा दूध गर्म उबाल होते ही फिर इसमें हम अपनी चीज़ें डालेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरे दूध में उबाल आ चुका है। इसमें अब हम अपनी जो मैंने गाजर कद्दूकस करके रखी थी वो डाल देंगे। तो हमें अच्छे से सारी गाजर अपनी डाल देनी है, और जो हमने अपना चावल भिगो करके रखा था वो भी हमें डाल देना है। और अच्छे से हमें इसे चलाना है, और हमें तब तक पकाना है जब तक हमारा चावल अच्छे से गल नहीं जाता। हमें तब तक इसे अच्छे से पकाना है। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरी खीर में कलर देखिए कितना मस्त आ गया है। ये देखिए कितना ऑरेंज कलर लग रहा है, कितना मस्त लग रहा है, कितनी बढ़िया बनी है। और अभी हम इसमें चीनी डालेंगे। अपने स्वाद के अनुसार आप चीनी डाल सकते हैं, कम या ज़्यादा, जितना खाना आप पसंद करते हैं अपने हिसाब से आप डाल सकते हो। और अभी हम इसे 3 से 4 मिनट अभी हम और पकाएंगे, क्योंकि चीनी भी अपना पानी छोड़ती है, तो इसलिए हमें 3 से 4 मिनट और पकाना है। और हाँ फ्रेंड्स, मैं इसमें कुछ भी नहीं डाल रही हूँ, ना इलायची पाउडर डाल रही हूँ, ना कुछ और। मैं सिंपल तरीके से मैं बना रही हूँ, और ये सच में आप ट्राई कीजिएगा, ये बहुत मस्त बनती है। तो 3 से 4 मिनट अभी हम इसे और पकाएंगे ताकि ये और अच्छे से गाढ़ी हो जाए। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरी खीर बनके तैयार है। 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। तो चलिए अब इसे हम एक बाउल में निकाल लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने अपनी खीर को एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लिया है, और अब हम इस पर अपने कटे हुए जो बादाम मैंने रखे थे उसे डाल देंगे अच्छे से हम। तो फ्रेंड्स, ये गाजर की खीर बनाइएगा, ये बहुत मस्त बनती है। आपने हलवे तो कई खाए होंगे, लेकिन इसकी खीर नहीं खाई होगी, ये बहुत मस्त बनती है। और ये हमारे पास कुछ रोज़ पेटल्स पड़े हुए थे ड्राई, वो मैं डाल रही हूँ। तो मेरी चावल एंड कैरेट की खीर बनके तैयार है। तो देखिए कितनी मस्त लग रही है, कितनी खूबसूरत लग रही है देखने में। तो फ्रेंड्स, एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा, ये बहुत मस्त बनती है सच में, क्योंकि आप जब बनाएंगे ना तो सारी खीर खाना छोड़ देंगे, ये मेरा वादा है। ये बहुत यमी बनती है। तो चलिए अब हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। ओके, बाय बाय।